नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज हम आपको माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माँ कुष्मांडा के एक अद्भुत मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के दर्शन से शत्रुओं का विनाश होता है, सुख शांति और धन एवं वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे देश में देवी के इस रूप में कुछ ही मंदिर है, जिनमें कानपुर, वाराणसी और उत्तराखंड के कुष्मांडा देवी मंदिर प्रसिद्ध हैं। आज हम माँ कुष्मांडा के उत्तर प्रदेश के सागर कानपुर के बीच घाटमपुर में स्थित मंदिर के विषय में जानेंगे। यहाँ माँ कुष्मांडा लेटी हुई मुद्रा में है। पिंड स्वरूप में लेटी माँ कुष्मांडा से लगातार पानी रिसता है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए कि यहाँ रिसने वाला पानी कहाँ से आता है। मान्यता है कि सूर्योदय से पूर्व स्नान कर 6 माह तक जो भी इस जल का प्रयोग करता है उसकी हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, मान्यताओं की माने तो इस जल को आंखों में डालने से दिव्य नेत्र ज्योति प्राप्त होती है, साथ ही नेत्र विकार से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए दूर दराज से लोग यहां जल लेने के लिए आते हैं। यही नहीं, मंदिर परिसर में 2 तालाब भी हैं। कहा जाता है कि दोनों तालाब आज तक कभी नहीं सूखे, इनमें हर मौसम में पानी भरा रहता है। यहाँ जो भी भक्त माँ कुष्मांडा के दर्शन के लिए आता है वह एक तालाब में स्नान करता है और उसके बाद दूसरे तालाब से जल लेकर माता को अर्पित करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। यही कारण है कि इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति माना जाता है। माँ कुष्मांडा का ये मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्तियाँ 2वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य की है। जहाँ आज ये मंदिर विराजमान है, सन 1400 ईस्वी में वहाँ घना जंगल हुआ करता था। उस समय राजा घाटम देव का यहाँ पर राज्य था, जिनके नाम पर इस तहसील का नाम घाटम देव रखा गया है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा घाटम के शासन के दौरान कुढ़ा नामक ग्वाले की गाय अपना दूध झाड़ी में गिरा देती थी। गाय द्वारा ये काम हर दिन किया जाता था। इसे देखकर एक दिन कुढ़ा ने यहाँ खुदाई की तो उसे एक मूर्ति दिखाई दी। काफी खुदाई करने के बाद भी उसे इस मूर्ति का अंत नहीं मिला तो उसने इस स्थान पर एक चबूतरे का निर्माण करा दिया। बताया जाता है कि माँ कुष्मांडा देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण 1890 में चंडी दीन भूजी ने कराया था। इस मंदिर की अन्य विशेषता ये है कि यहाँ 1988 से ही अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। इस मंदिर में माँ की पूजा सिर्फ महिला पुजारी ही करती है। इसका कारण है माँ की लेटी हुई मूर्ति, जिस कारण सिर्फ महिलाओं को ही श्रृंगार की अनुमति होती है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में मेला लगता है। खासकर नवरात्रि के चौथे दिन यहाँ हजारों भक्त माता रानी के दर्शन को कतारबद्ध खड़े रहते हैं। जिन जातकों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो मैया को लाल चुनरी, ध्वजा, नारियल, घंटा के साथ भीगे चने अर्पित करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।